ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 21.9 का ही एक सब टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर. इसको स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है. आपने इसको अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है. इसको हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है. अब स्टूडेंट्स, हमने तो ये देखा कि बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और न्यूक्लियर रिएक्शन से अ लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है. लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि वो न्यूक्लियर रिएक्शन कहीं भी जो है वो बैठ जाओ और न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना शुरू कर दो. तो बेसिकली किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए एक ख़ास इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, एक ख़ास सेटअप की इस्तेमाल की ज़रूरत होती है जिसमें आप किसी रिएक्शन को कराओ और उससे प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को कहीं आउटपुट में दे दो. तो बेसिकली ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर हम बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते हैं और आउटपुट में ढेरों अमाउंट की एनर्जी को लेते हैं, उस डिवाइस को कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है. अब न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, उसके अंदर कैसी फंक्शनिंग है, तो वो हम देखते हैं. स्टूडेंट्स, अक्सर आपने जो है वो नाम सुना होगा फर्नेस का, ठीक है. फर्नेस का आपने नाम सुना होगा. फर्नेस बेसिकली भट्टी को कहा जाता है, ठीक है. इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि इसके अंदर ऑयल वगैरह को या फिर जो कोयला होता है उसको बर्न किया जाता है और बर्न करने से एज एन आउटपुट अ लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. उस थर्मल एनर्जी को जो है वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थर्मल पावर स्टेशंस तक भेजा जाता है और फिर थर्मली वेव्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई जाती है, ठीक है. इस थर्मल एनर्जी को पावर स्टेशंस में भेजा जाएगा और वो पावर स्टेशंस भी कौन से होंगे, थर्मल पावर स्टेशंस, और फिर यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं. सेम इसी तरह यहाँ पे हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल, यानी यहाँ जो फर्नेस के अंदर पहले हमने फ्यूल डाली थी वो इस केस में ऑयल और कोल था, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं वो ना तो ऑयल है ना ही कोल है, बल्कि यूरेनियम होता है. इस यूरेनियम की फ्यूल को यूज़ करते हुए जब इसके ऊपर हम इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट हम इसके ऊपर न्यूट्रॉन्स फॉल करवाते हैं तो लार्ज अमाउंट में हमारे पास जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है. अब वहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है ना, जिसको हमने कहा था कि एक रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ये एनर्जी किसकी होती है? सबसे पहली चीज़ तो है कि जब ये रिएक्शन होता है तो आपके पास ये प्रोसीजर होता है, दो स्मॉलर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन, और साथ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी और 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं. अब ये जो एनर्जी है ना, बेसिकली ये दो फॉर्म्स में आ सकती है, या तो सेपरेटली बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, या इस तरह से कि ये एनर्जी बेरियम और क्रिप्टॉन को मिली हो और वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हो. अब होता क्या है, जब इतनी ज़्यादा एनर्जी हमारे इन प्रोडक्ट्स के पास है तो वो तो आपस में बहुत ज़्यादा कोलिजन करेंगे. ना सिर्फ ये आपस में कोलिजन करते हैं बल्कि ये पार्टिकल्स वो चीज़, यानी फ्यूल के अंदर ही पड़े होते हैं ना, फ्यूल यूरेनियम है, ठीक है. तो ना सिर्फ ये इतनी हाई एनर्जी मिलने की वजह से आपस में कोलाइड करते हैं, बल्कि फ्यूल यानी यूरेनियम जिसने बेसिकली इनको प्रोड्यूस करवाया था उससे भी कोलाइड करते हैं. अब स्टूडेंट्स, आपने ये नहीं सोचना कि वहाँ यूरेनियम का सिर्फ एक एटम मौजूद था, नहीं, पूरी फ्यूल मौजूद है. तो फ्यूल का पूरा सोर्स ही जो है वो यूरेनियम है. तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये यूरेनियम से भी टकराएंगे और टकराने की वजह से अपनी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करवा देते हैं किसके अंदर, हीट एनर्जी में. इस हीट एनर्जी को स्टूडेंट्स फिर हम कन्वर्ट करवाते हैं स्टीम एनर्जी में, और देन स्टीम एनर्जी को यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू रन द टर्बाइंस. टर्बाइन से जनरेटर चलाते हैं और जनरेटर से फिर हम जो है वो पावर स्टेशंस को रन करवाते हैं और एज एन आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा लेते हैं. सो ये प्रोसीजर जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे यूज़ होते हैं. अब हम बात करते हैं बेसिकली कंस्ट्रक्शन की, कि हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरह से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं. सिस्टर्स, हम यहाँ पे वन बाय वन तमाम पार्ट्स को डिस्कस करते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कोर. कोर का अगर आप वैसे मतलब सोचें तो कोर क्या होता है, किसी भी चीज़ का बिल्कुल जो सेंट्रल और मेन पॉइंट है उसको हम कोर का नाम देते हैं. यानी ऐसी चीज़ जिसके बगैर न्यूक्लियर रिएक्टर काम ही नहीं कर सकता, वो क्या कहलाता है, कोर कहलाएगा. सो स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ये हमारा कोर कहलाता है.
इस कोर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होंगी इस कोर में? इस कोर के अंदर एक तो जो है वो फ्यूल रॉड्स होते हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या है, आपके फ्यूल रॉड्स हैं। इन फ्यूल रॉड्स के अंदर यूरेनियम 235 मौजूद होता है। समटाइम्स में ये होता है और इसके अलावा हम इसकी कंसंट्रेशन को हाई भी करना पड़ता है। अब अगर हम यहीं पे बात कर लें, यूरेनियम U-235-92 जो है ना, ये एक कहें अगर प्योर यूरेनियम इसमें से निकाला जाए तो सिर्फ वो 0.7% मौजूद होता है। तो इतना थोड़ा सा यूरेनियम तो नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करवानी होती है। तो हम इस यूरेनियम की अमाउंट को तकरीबन 2-4% इंक्रीज़ करवाते हैं ताकि हमें जो प्योर यूरेनियम है वो ज़्यादा मिल सके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे इसी कोर के अंदर हमने जो है वो कुछ इस तरह से आपको एक अरेंजमेंट शो करवाई हुई है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मज़ीद मौजूद होती हैं। तो सिंपली हमने देख लिया कि कोर पार्ट आपके पास क्या होगा, हमारी ये सिलेंड्रिकल ट्यूब्स हैं जो कि फ्यूल रॉड्स हैं, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया किस चीज़ का, फ्यूल रॉड्स का, ठीक है। अब दूसरी चीज़, इन फ्यूल रॉड्स के अंदर जो है वो यूरेनियम हमने अच्छे से फिल किया होता है। सेकेंड जो पार्ट आता है ना हमारे पास वो होता है मॉडरेटर, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, मॉडरेटर का। अब स्टूडेंट्स मॉडरेटर यहाँ पे क्या होंगे, ये पूरी जो कंस्ट्रक्शन है इसी में सब चीज़ें, फ्यूल रॉड्स तो बेसिकली हमारी कोर का काम कर रही है। फिर यहाँ पे यूँ इस तरह से एक लिक्विड मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या मौजूद होता है, राउंड अबाउट एक लिक्विड मौजूद होता है, और इस लिक्विड को आप जो है वो ले सकते हैं, यानी ये लो इसका एटॉमिक वेट होना चाहिए। आप इसके अंदर वाटर ले सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स ले सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के अलावा आप ड्यूट्रियम ले सकते हैं, यानी जो हैवी वाटर होता है आपका, ठीक है, कार्बन को यूज़ किया जा सकता है। तो ये ऐसे अपने मॉडरेटर के लिए लिक्विड टाइप मटेरियल यूज़ करना है जिनका एटॉमिक वेट क्या हो, लो हो, लो एटॉमिक वेट वाली चीज़ें, ठीक है। इनका फ़ायदा क्या होता है, इनका फ़ायदा ये होता है कि जब आप एक एक्सटर्नली न्यूट्रॉन देके सारी प्रोसेसिंग स्टार्ट करवाते हो, न्यूट्रॉन को बम्बार करवाते हो विद यूरेनियम, तो जो न्यूट्रॉन्स आगे से प्रोड्यूस होते हैं, यानी इस रिएक्शन से जो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, वो न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग होते हैं। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि फ़ास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कभी भी न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करवाते। सो पहले हमें इन 3 फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करवाना पड़ता है इनकी हाफ थर्मल एनर्जीज तक। तो इनको स्लो डाउन करवाने के लिए हम ये लिक्विड यूज़ करते हैं। तो ये मॉडरेटर क्या करता है, ये हमारे न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करवा देता है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स स्पीड को स्लो डाउन करवाएगा। सही हो गया, एक कॉन्सेप्ट तो हमने ये गेन कर लिया। अब जो थर्ड हमारे पास इसकी फंडामेंटल टर्म है ना, वो है स्टूडेंट्स एब्जॉर्बिंग रॉड्स। एब्जॉर्बिंग रॉड्स स्टूडेंट क्या होते हैं, अब हमने स्टूडेंट्स ये बात देखी थी कि जब फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वो फ्यूजन रिएक्शन नहीं बल्कि वो फ्यूजन चेन रिएक्शन बन जाता है, जिससे ट्रिमेंडस अमाउंट की एनर्जी जनरेट होती है जो कि डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करवा सकती है। इसका मतलब है नाउ हमें क्या करना है, हमें जो है वो कंट्रोल्ड वे में रिएक्शन चाहिए। तो कंट्रोल्ड वे में रिएक्शन चाहिए अगर हमें, तो हमें यहाँ पे 3 जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें से एक तो हम दोबारा से यूरेनियम में एब्जॉर्ब करवा देंगे, बाकी 2 को हमें किसी दूसरे मटेरियल में एब्जॉर्ब करवाना पड़ता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एब्जॉर्बिंग रॉड्स जो कि बने होते हैं यूजुअली बोरोन से या फिर स्टूडेंट कैडमियम से। तो ये पीछे एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जैसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम इन रॉड्स को अंदर डाल देता है ताकि ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करें। और जब सब सीक्वेंस में चल रहा होता है, यानी कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन नहीं है, उस टाइम ये रॉड्स ऑटोमेटिक सेटिंग के थ्रू बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस इनका जो है वो इस्तेमाल होता है, और ये क्या करते हैं, ये हमारे एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्प्शन होती है, और कौन से न्यूट्रॉन, जो कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक हो गया। जो फोर्थ पॉइंट है इसका हमारे पास कंस्ट्रक्शन में, वो है हीट एक्सचेंजर।
ओके तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या होगा, इतने ज़्यादा रिएक्शन हो रहे हैं, मतलब ये वाला जो सेटअप है इसके अंदर इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है, इतना टेम्परेचर राइज हो जाता है ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कि इसका टेम्परेचर तकरीबन 1200 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो पहुँच जाता है, ठीक है। अब अगर ये हमारी जो कोर पार्ट है यानी ये जो अंदर रोड्स लगे हुए हैं इनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो गया, तो अब क्या किया जाए, हम क्या करते हैं, यहाँ से वाटर लेते हैं, ठीक है, किसी भी समुंदर किनारे हम ये सेटअप लगाते हैं, ठीक है, और वाटर लेके उसको इस सेटअप पे जो कि हीट एक्सचेंजर सेटअप होता है उसके अंदर जो है वो यूँ भेज देते हैं, ठीक है। अब हीट एक्सचेंजर सेटअप के अंदर हमने क्या भेज दिया, यहाँ से वाटर जो है वो, इसमें भी यही सेटअप फ्यूल का ही हमारा जो है ना स्टूडेंट्स मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ आप ये कह लें कि हमारा जो पूरा रिएक्टर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इधर जो है वो हमने यहाँ से वाटर भेजा इस जगह पे, वाटर क्या करेगा, वाटर ये करेगा कि अंदर जो भी हीट प्रोड्यूस हुई हुई थी वो यहाँ पे इन हीट एक्सचेंजर्स के अंदर आएगी, ठीक है। और जैसे ये इधर आएगी तो राउंड अबाउट जो वाटर होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और उसकी बॉयलिंग के दौरान वाटर का टेम्परेचर तकरीबन 300 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाता है। इतना हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बॉयलिंग प्रोड्यूस करवा के स्टीम दे देता है, तो सोचें 300 डिग्री सेल्सियस कितनी ज़्यादा स्टीम प्रोड्यूस करवाएगा। सो यहाँ से ये स्टीम ऊपर को जाती है और टर्बाइंस को रन करवाती है। टर्बाइन को रन करवाने के बाद स्टीम वेस्ट हो गई, वो स्टीम गुजरती है कंडेंसर से, कंडेंसर उस स्टीम को कन्वर्ट करवा देता है कूल डाउन करके अगेन वाटर में, और उस वाटर को अगेन जो है वो या तो आप एक्स्ट्रा जो है वो वेस्ट कर दें या फिर उसको दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं पम्प करवा के इसी प्रोसीजर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो यहाँ पर काम लेते हैं। अब टर्बाइन जब घूमना शुरू हो गया इस प्रोसेस से, तो टर्बाइन की मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है जनरेटर को, जो कि उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पावर स्टेशन तक भेजा जाता है और हमारा तमाम काम हो जाता है। अब स्टूडेंट्स सोचना ये है कि हमने इतना जो है वो रिएक्टर बना लिया, हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, तो बहुत से एडवांटेजेस हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बेसिकली रिसर्च वर्क में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप देखते हैं कि न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स होते हैं, मोस्टली हमारे यहाँ पे रिसर्च सेंटर जो हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो वहाँ पे इस तरह के रिएक्टर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं रिसर्च करने के लिए। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन की जाती है, जैसे अभी आपने देखा इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल एनर्जी आप कंसिडर कर लें, क्योंकि हमें मैकेनिकल एनर्जी भी मिल रही है टर्बाइन से और जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जो है वो मिल रही है। उसके अलावा इनको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है एटॉमिक एनर्जी पावर स्टेशंस में, जहाँ पे इनके सेफ यूज़ लिए जाते हैं इनसे, एटॉमिक पावर स्टेशंस। अब स्टूडेंट्स हर चीज़ का अगर कोई फ़ायदा है तो साथ ही साथ नुकसान भी ज़रूर होते हैं, ठीक है। तो क्या कुछ थोड़े से ऐसी चीज़ है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर की हम बात करें, तो स्टूडेंट्स इसमें जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे होते हैं ना, टाइम के साथ साथ ना इस फ्यूल में कमी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये नहीं समझ लें कि इन फ्यूल्स का जो वर्किंग टाइम है सपोज़ वो 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स के बाद इनकी कमी आना शुरू हो जाती है, तो हमें यहाँ से फ्यूल चेंज करके नई फ्यूल डालनी पड़ती है। वो कोई मुश्किल काम नहीं है, फ्यूल तो हम डाल सकते हैं, लेकिन बात ये है कि वो जो फ्यूल हमने यहाँ से वेस्टेड फ्यूल निकाली थी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस फ्यूल होती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है कि उसमें से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की रेडिएशंस बाहर निकल रही होती हैं। अगर हम उसे खुला छोड़ दें तो इर्द गिर्द के बहुत से लोग रेडिएशन हैजर्ड्स की वजह से ही जो है वो उनकी डेथ हो जाएगी। तो क्या किया जाता है, उन रेडिएशंस वाली यूरेनियम फ्यूल को सॉल्ट माइंस के अंदर जो है वो बरीड कर दिया जाता है। सॉल्ट माइंस क्या करती हैं, वो इन रेडिएशंस को बाहर एमिट आउट होने नहीं देती, और इस तरह से हम अपने काम को यूज़फुल वे में कर लेते हैं। सो ये था हमारे पास टॉपिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो है वो 21.9 डेट वाज द न्यूक्लियर फिजन, उसी का लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। अब हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। सो स्टूडेंट्स दो तरह की कैटेगरीज आती हैं, एक होते हैं हमारे पास थर्मल रिएक्टर्स और दूसरे होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास फास्ट रिएक्टर्स।
दोनों में स्टूडेंट्स डिफरेंस क्या होता है, दोनों ही जो है वो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दोनों ही प्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन दोनों की एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के जो मेथड्स हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं, वो एक दूसरे से क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। सो स्टूडेंट, जो थर्मल रिएक्टर्स हैं ना, इनको थर्मल रिएक्टर क्यों कहा जाता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने देखा था कि रिएक्टर्स के अंदर जब एक न्यूट्रॉन आके यूरेनियम से टकराता है और टकराने के बाद यहाँ पे जो है वो बेरियम और क्रिप्टॉन प्रोड्यूस होते हैं, प्लस तीन न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, तो ये वाले न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि फ़ास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करवा दिया जाए, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करवाते हैं, कहाँ तक, इनकी थर्मल एनर्जीज तक। तो जब हम इनकी एक ख़ास थर्मल एनर्जी यानी जिसके थ्रू वो नेक्स्ट जो है वो रिएक्शन अकम्प्लिश करवा सकते हैं, उन थर्मल एनर्जीज तक इनको स्लो डाउन करवा लें, तो ऐसे रिएक्टर्स को थर्मल रिएक्टर्स कहते हैं, यानी हमने फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को उनकी थर्मल एनर्जी तक स्लो डाउन करवा लिया, तो इसी वजह से इनको थर्मल रिएक्टर भी कहा जाता है। थर्मल रिएक्टर की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी और भी है, और वो है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ठीक है। इसको पी को प्रेशराइज्ड, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वाटर एंड आर स्टैंड फॉर रिएक्टर। इन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रखा जाता है, लेकिन जो हम वाटर यूज़ कर रहे होते हैं उसकी बॉयलिंग प्रिवेंट की जाती है, यानी हमने ऐसी जो है वो अंदर सेटअप करना है कि प्रेशर तो हाई हो लेकिन एनर्जी इतनी प्रोड्यूस हो कि वो आगे से वाटर को बॉयल ना करवा सके, तो ये हमारे पास प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर जो है वो बन जाते हैं। और फिर इनको भी जो है वो हम इनसे भी प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को जो है वो आगे देते, ठीक है, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। दूसरे हमारे पास फास्ट रिएक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, फास्ट रिएक्टर में क्या होगा, अब हमें डिफरेंस तो यहाँ से पता चल गया कि अगर हमने थर्मल रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करवाया था उनकी थर्मल एनर्जी तक, तो फास्ट रिएक्टर में हमें ज़रूरत नहीं है, हम एज इट इज़ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को यूज़ करेंगे और उनको स्ट्राइक करवा देंगे अपने मटेरियल से। सो सिंपली हम यहाँ पे ले लेते हैं सपोज़ U-238-92। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है, यूरेनियम 235 जो है ना हमारे पास, वो एक ऐसा यूरेनियम है जिसमें नेचुरल यूरेनियम की अमाउंट सिर्फ 0.7% होती है इसमें, लेकिन अगर हम यूज़ करते हैं ना यूरेनियम 238 को, तो इसमें नेचुरल यूरेनियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे वाले के, तो हम इसमें इसको इस्तेमाल कर लेते हैं और एज एन आउटपुट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या प्रोड्यूस होता है, नेप्टोनियम, ठीक है, एक एलिमेंट प्रोड्यूस होता है डेट इज़ 239 and 92, और एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे हमारे पास एक बीटा पार्टिकल जनरेट हो जाता है, ठीक है, इस तरह से यह आ गया। अब स्टूडेंट, ये जो नेप्टोनियम है ना, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हाईली रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल एलिमेंट है, तो फौरी तौर पे डिके होके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्लूटोनियम में, ठीक है, डैट इज़ 239 और हमारे पास यहाँ पे 94, और यहाँ भी एक बीटा पार्टिकल जो है वो जनरेट हो जाता है। सो इस तरह की स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना वो प्रोसेसिंग इस्तेमाल होगी, सॉरी यहाँ 93 आएगा। सो ऐसे रिएक्टर हमारे पास होते हैं फास्ट रिएक्टर, और ये वाले रिएक्टर हमारे पास थे थर्मल रिएक्टर्स।